हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अमेजिंग फाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में हर कोई जानने को बेकरार है। ये पर्दा सालों से हटाने की कोशिश हो रही है कि क्या हमारे पैरेलल भी कोई यूनिवर्स काम कर रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है और इस शोध के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक नई तरह की खोज और शोध करते रहते हैं, जिनमें से कई चौंकाने वाले भी होते हैं। अब नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी ही बड़ी खोज की है। नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्हें पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड होने के सबूत मिले हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ भौतिकी के नियम यानी फिजिक्स के नियम बिल्कुल उल्टे चलते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ समय आगे चलने के बजाय पीछे को चलता है। क्या हुआ, हैरान हो गए ना। दशकों से ऐसी संभावना को लेकर बहस भी चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि साल 1952 के बाद से ऐसी संभावना जताई गई कि हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिल सके। हालांकि अब वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में हुई एक घटना से इसके जुड़े होने के कुछ सबूत मिले हैं। अनुमान के अनुसार इस घटना से ये साबित हो सकता है कि हमारे आसपास ही एक दूसरा समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स है। कॉस्मिक रे डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट में ऐसे कण मिले हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक प्रयोग किया है। नासा ने अपने एंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना में एक बड़े से गुब्बारे पर इलेक्ट्रॉनिक एंटीना को अंटार्कटिका में सूखी और ठंडी हवा के बीच ऊंचाई पर टिकाया। इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ ना तो वायु प्रदूषण है और ना ही किसी प्रकार की ध्वनि से अवरोध उत्पन्न होने की संभावना। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अंटार्कटिका पर किरणों का व्यवधान कम से कम होगा। इस शोध में वैज्ञानिकों को पता चला कि हाई एनर्जी के कण लगातार हवा के जरिए अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं। हाई एनर्जी कणों का केवल अंतरिक्ष से नीचे आने पर पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस शोध में वैज्ञानिकों ने उन सभी कणों के बारे में पता लगाया जो धरती से ऊपर की ओर उठते हैं यानी ऊपर की ओर जाते। इसका मतलब यह हुआ कि ये कण वास्तव में धरती के एक समानांतर ब्रह्मांड के होने का सबूत देते हैं। यहाँ समय उल्टा चलता है। लेकिन वैज्ञानिकों की इस परिकल्पना से सभी लोग सहमत नहीं हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के समय दो ब्रह्मांड बने थे। इनमें से एक वो जहाँ हम रहते हैं और दूसरा वो जो वक्त के साथ पीछे चल रहा है। इससे पहले इस तरह की चीजें हमें केवल फिल्मों और टीवी शोज में ही देखने को मिलती थी। लेकिन अब एक नई खोज में इसके सबूत भी मिल गए हैं जिससे पता चलता है कि ऐसी एक दुनिया भी हो सकती है जो हमारे समानांतर है और जहां वक्त बिल्कुल ठीक हमारे उल्टा चलता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको समय रहते हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।